वायनाड सीट से चुनावी पिच पर प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ने जा रही हैं। नामांकन के दौरान प्रियंका ने जनसभा को संबोधित किया और पहली बार अपने लिए लोगों से वोट की अपील की। दरअसल प्रियंका गांधी बहुत बड़े उद्योगपति खानदान से आती हैं। ऐसे में सबसे पहले आपको दिखाते हैं उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है जिसका उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में जिक्र किया है। प्रियंका गांधी ने अपने हलफनामे में करीब 4 करोड़ की चल संपत्ति और 59 किलो चांदी होने का जिक्र किया है। ये बात प्रियंका गांधी की तरफ से कही गई। और इसके अलावा 13 करोड़ 90 लाख की अचल संपत्ति और 15,75,000 रुपए का कर्ज का जिक्र किया है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 2.25 करोड़ रुपए का निवेश है और 3 बैंक अकाउंट हैं जिसमें 3.61 लाख से ज्यादा रुपए जमा होने का जिक्र है। और इसके अलावा PPF अकाउंट में 17,38,000 रुपए का जिक्र है। दरअसल अब तक प्रियंका अपनी मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के लिए वोट मांगती नजर आ रही थी, लेकिन ये पहली मर्तबा है जब प्रियंका गांधी खुद अपने लिए वोट की अपील करती नजर आएंगी। देखिए रिपोर्ट। जिस वायनाड सीट को गांधी परिवार के लिए सबसे सेफ माना जाता है, जिस सीट से राहुल गांधी लगातार जीतते आ रहे थे, उस सीट पर अब प्रियंका गांधी की कांग्रेस ने धमाकेदार एंट्री करवाई है। नामांकन से पहले रोड शो कर कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया, उसके बाद सोनिया गांधी की मौजूदगी में प्रियंका गांधी ने नामांकन किया। This is the first time that I am campaigning for your support for myself. She will put her entire energy into looking after the people and the problems of Wayanad. And don't forget, I am your unofficial member of parliament, so I am also allowed to come here and interfere and do the work in Wayanad. हालांकि प्रियंका गांधी कांग्रेस की राजनीति में पर्दे के पीछे से काफी लंबे समय से एक्टिव थी। रायबरेली में अपनी मां के लिए मेहनत किया तो अमेठी में राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती दी, लेकिन अब वायनाड से उपचुनाव का नॉमिनेशन कर पहली बार राजनीति के दंगल में चुनाव लड़ने के लिए खुद उतरी है। तो ये लोगों की डिमांड के ऊपर यहाँ पे प्रियंका जी लड़ रही है और ये परिवार का निर्णय है। और ये मतलब कोई ऐसा नहीं कि प्रियंका जी कोई आज नहीं की राजनीति में नहीं है, ये उन्होंने राहुल जी के इलेक्शन, सोनिया जी के इलेक्शन, कैप्टन श्री शर्मा का इलेक्शन और मेरा इलेक्शन और शीला कौल जी का इलेक्शन, सब इलेक्शन उन्होंने लड़ाए, तो उन्होंने इलेक्शनिंग की उनको बहुत पुरानी नॉलेज है, तो नई भी नहीं है पॉलिटिक्स में, भले मतलब पद कभी लिया हो लेकिन वो एक्टिव पॉलिटिक्स में हमेशा से रही है। हालांकि 2019 में भी रायबरेली से उतरने की चर्चा हुई थी, 2024 के चुनाव में भी रायबरेली या अमेठी से उतरने के कयास लगाए गए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जब पहली बार वायनाड से प्रियंका चुनावी लड़ाई का आगाज कर रही हैं, तो बीजेपी निशाना साध रही है। पहले दोनों जगह की जनताओं को बेवकूफ बनाया आपने, अब वायनाड में बाय इलेक्शन हो रहा है क्योंकि आप अमेठी के बन गए और इसलिए अब वहां पे चुनाव ठोपा है, तो ये ठोपा हुआ चुनाव है और कुछ नहीं है, लड़नी है, लोकतंत्र है, वहां पे जो वोटर है वो निर्णय करेगा कि लोकतंत्र में किसकी जीत होती है। वायनाड की त्रासदी के समय, वहां लैंडस्लाइड और बाढ़ के समय लोगों का दुख सुनने का समय नहीं था, वो जीजी और जीजा आज मुस्लिम लीग के कंधों पर चढ़कर वायनाड में चुनाव लड़ने के लिए निकले हैं, क्योंकि वहां मेजोरिटी मिनोरिटी में है और मिनोरिटी मेजोरिटी में है, इसलिए वहां से भाग्य जमा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने वायनाड जीतने के लिए अपना झंडा व एजेंडा मुस्लिम लीग के कार्यालय में जमा करा दिया है, सरेंडर कर दिया। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी ने केरल की वायनाड और यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। बाद में उन्होंने गांधी परिवार की पारंपरिक सीट रायबरेली को चुना और वायनाड छोड़ दी, जिसके बाद हो रहे उपचुनाव में राहुल की जगह प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।